भागलपुर जिले के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश और गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ कई जगहों पर बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। इसको लेकर भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रत्तीपुर बैरिया, शंकरपुर, गोसाईदासपुर, रन्नूचक समेत कई पंचायतों और दियरा क्षेत्र में बाढ़ के कारण ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी गांव के घरों में प्रवेश कर गया है, जबकि खेत में लगी फसलों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं घर और खेत में बाढ़ का पानी भर जाने से परेशान ग्रामीण गांव से निकलकर ऊंचे स्थानों की तलाश में जुटे हैं, जबकि मक्का और कई सब्जियों के फसल के पानी में डूब जाने से किसान काफ़ी सदमे में हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर से भी ग्रामीणों को विशेष राहत नहीं मिल सकी है। इधर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने दियरा इलाके में बाढ़ पीड़ितों के रहने के लिए 4 स्थानों का चयन करने की बात कही है। इसमें सिटीएस चर्च मैदान, कर्पूरी छात्रावास, मारवाड़ी कॉलेज के पीछे बाल निकेतन और TNB कॉलेज एट मैदान शामिल है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के 38वें दिन शुक्रवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर इस्माइलपुर के MO कृष्णानंद आनंद के द्वारा सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। दरअसल सुल्तानगंज में मूल्य तालिका के रखरखाव और प्लास्टिक उपयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर इस्माइलपुर MO के नेतृत्व में पुलिस बल के सहयोग से दुकानों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान MO कृष्णानंद आनंद ने सैकड़ों दुकानों में छापेमारी करते हुए भोजनालय में कांवरियों को बासी खाना खिलाने पर नाराजगी व्यक्त की और 3 भोजनालयों को बासी खाना फेंकने का तुरंत निर्देश दिया। साथ ही इन भोजनालय में व्यावसायिक के बदले घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने पर सख्त हिदायत देते हुए अधिकारी ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं करने की बात कही। वहीं MO ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसे भोजनालय या अन्य दुकानों के मालिक पर जुर्माना लगाते हुए दुकान को भी सील कर दिया जाएगा। छापेमारी अभियान में अधिकारी के साथ पुलिस के जवान मौजूद थे। भागलपुर के सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर जिला जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सीपू कुमार ने विधायक की मौजूदगी में बैठक की, जिसमें सीपू कुमार ने राजेश कुमार और पप्पू मंडल को सुल्तानगंज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया है। वहीं पप्पू मंडल को प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने पर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और जदयू कार्यकर्ता ने उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएँ दी। मौके पर रजनीकांत सिंह, विनय सिंह सहित कई जदयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भागलपुर जिला अध्यक्ष सम्माननीय सिपू कुमार जी के द्वारा आज हमारे बहुत ही पुराने समता काल से पार्टी में समर्पित राजेश कुमार उर्फ पप्पू मंडल को अति पिछड़ा का सुल्तानगंज प्रखंड अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर हम जिलाध्यक्ष को भी और पप्पू जी को भी बधाई और धन्यवाद दोनों देते हैं और आशा करते हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों को और नीतीश कुमार के संदेशों को क्षेत्र में फैला करके पार्टी को और मजबूत करेंगे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600।
ज्यादा सुविधाजनक है क्योंकि पास में ही नागर महल है। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के कोतवाली स्थित दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य विशल्य सागर जी महाराज ने भक्तामर महान स्रोत के नवम काव्य की व्याख्या की। विशल्य सागर जी महाराज ने कहा कि केवल इस कथा चरित्र के श्रवण और पाठन से समस्त दोषों से रहित होकर प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य काफी दूर होने के बाद भी उसकी किरणें अपने प्रभाव से कांति सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का कल्याण धर्मरूपी सरोवर में डुबकी लगाने से हो जाता है। वहीं शांति धारा के दौरान महेंद्र कुमार, वैभव कुमार, कमल कुमार, मनोज कुमार और राजीव कुमार पाटनी समेत काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिसके बाद समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मुनि महाराज श्री का पद प्रक्षालन किया गया। वहीं प्रवचन के दौरान संयोजक जय कुमार काला, उप संयोजक सुमंत पाटनी, महामंत्री पदम जैन, सुनील जैन समेत काफी संख्या में जैन श्रद्धालु मौजूद रहे।